जुड़ चुके हैं लास्ट वन न्यूज के साथ और मैं प्रीति सहर। आज मैं आपको बता दूं कि आज ओजोन डे है और इसी के चर्चे पे हम बातचीत करेंगे राजकुमार सर से जो एचओडी हैं। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। तो सर आज ओजोन डे है और यहाँ पे ओजोन डे आज सेलिब्रेशन किया जाना था लेकिन किसी जुम्मू बंद होने के कारण इसको पोस्टपोन किया गया। कल के लिए हमने तो सर कल कितने बजे? 11 बजे होगा, 11 से लेके 12:30 बजे तक चलेगा। तो थोड़ा सा तो पहले मैं इसकी हिस्ट्री में जाना चाहूँगा कि ये ओजोन एक आपकी लेयर होती है गैस की स्ट्रेटोस्फीयर में 25 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। इसका मेन फंक्शन होता है कि जो भी हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं सोलर सन में उसको ये अब्जॉर्ब कर लेती है। और वो अल्ट्रावायलेट रेज तीन टाइप्स की होती हैं, अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट ए। सी जो होती है बड़ी लीथल होती है, बी हार्मफुल होती है, ए जो होती है वो ठीक इतना उसका हार्म नहीं होता। लेकिन ओजोन का मेन फंक्शन होता है कि ये 100% अल्ट्रावायलेट सी को 50% अल्ट्रावायलेट बी को रोक लेती है, जिससे क्या है कि अगर ये रेज हमारी अगर अर्थ पे पहुंच जाएंगी तो इसकी जो थिकनेस है जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेंस होगी। तो जैसे जैसे ये ओजोन डिप्लीट होती जाती है, थिन होती जाती है, केसेस ऑफ कैटरेक्ट, हर्पीस, स्किन कैंसर और आई साइट वीकनेस और प्लांट्स म्यूटेशंस, ये सारी की सारी जो है ये प्रकाशक ओजोन होते हैं। तो ये कोई 1985 में डॉक्टर जेसी फार्मर और उसके कलीग्स ने देखा कि अंटार्कटिका में एक होल हो गया हुआ है, इमीडिएट डिप्लीशन हो रही है, जिसको उन्होंने कहा था ओजोन होल। बेसिकली दिस इज द इमीडिएट थिननेस ऑफ दी ओजोन। उसके बाद ये देखा गया कि राइट फ्रॉम 1956 इसकी जो थिकनेस है वो कम होती जा रही है। तो अल्टीमेटली जब उन्होंने फाइंड आउट किया तो देखा कि इसका जो रीज़न है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एक अपनी हिस्ट्री है, ये एक सिंथेटिक कंपाउंड है जिसको थॉमस मिडगले ने 1930 में इन्वेंट किया था, एक्ट एज टू ट्रीट इट एज ए कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, आपके जो जेट प्रोपेलेंट्स होते हैं। तो विद रिजल्ट इसका जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ये एक्टिव फ्लोरीन को रिलीज करते हैं। तो एक मालिक्यूल एक्टिव फ्लोरीन का जो है वो 100,000 मालिक्यूल ओजोन पे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो जिसकी वजह से क्या है कि इसकी थिननेस जो होती जा रही है। तो जब 85 में इनको होल का पता लगा तो 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ जिसमें 27 कंट्रीज ने इसको साइन किया कि इन्हें फेज्ड मैनर जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उसको हमें रिप्लेस करना है। तो उस दिन से 16 सितंबर जो है वो वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो सेलिब्रेट हुआ। उसके बाद फिर 89 में वो रेक्टिफिकेशन हुई, उसके बाद 95 में हुई। तो उसके बाद इस साल का जो थीम है वो है 32 ईयर्स एंड हीलिंग, कि 3 डिकेड्स में कितनी हीलिंग हुई है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ नॉट यूजिंग दी ODS सब्सटेंसेस, दैट इज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। सर अगर बात की जाए इससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और क्या ऐसा काम करेंगे जिससे हम इस चीज़ से बच सकें, जो हमें स्किन कैंसर की जो सबसे ज़्यादा आ रही है इसमें प्रॉब्लम, उससे क्या करें कि बच सकें? मैंने आपको पहले ही कहा कि इसके बचने का यही है कि ओजोन को जो चीज़ें डिस्ट्रॉय करती हैं उसका यूज़ कम कर दिया जाए। उन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अल्टरनेटिव्स निकाले हैं जैसे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वो फेज्ड मैनर में ही रिप्लेस होगी टेक्नोलॉजी। तो उनका ये है कि इन्हें मतलब कि बाई 2020, 2030, 2050 तक हमें इसको टोटली रिप्लेस कर देना है। तो ऑटोमेटिकली जब ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का यूज़ बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका डिस्ट्रक्शन कम हो जाएगा। और ये नेचुरल फिनोमिनन है, ये ओजोन खुद ही बनती है, खुद ही डिस्ट्रॉय होती रहती है। अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय होने वाला प्रोसेस बंद हो जाएगा, प्रोटेक्शन वाला चलेगा, जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी प्रोटेक्शन भी बढ़ती जाएगी। तो ये खास बातचीत थी हमारी राजकुमार सर से। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? इसमें तो ये जो 3 गैसेज जिसके मैंने नाम लिए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेज ओजोन के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेज भी कहते हैं। तो सबसे जो इमीडिएट ले मैन अपने लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे जो कुछ कर सकता है वो ये कि जितने ज़्यादा प्लांट लगा सकते हो लगाओ, कम से कम आपका जो क्लाइमेट चेंज है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वो तो कम हो। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो सिंक है जिसका प्लांट्स, जितने ज़्यादा प्लांट्स जितनी ज़्यादा वेजिटेशन होगी उतनी ऑक्सीजन रिलीज होगी, उतना आपका एटमॉस्फेयर जो है वो प्योरीफाई होगा और हेल्दी हो जाएगी। सर थैंक यू सो मच।
वजह से होता है, लेकिन हमने जो है अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 2000 में हमने इसका जो है इफेक्ट होना बंद हो गया था, यूज होना बंद हो गया था, लेकिन हमने उसकी जगह लिए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। टिल नाउ हम उसको यूज कर रहे हैं 2020 तक, इसको जो है एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हमने उसको बंद कर रहे हैं 2020 तक, लेकिन मैम फिर भी वो यूज हो रहे हैं। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह एक और जो है टेक्नोलॉजी, पेटेंट टेक्नोलॉजी दी गई हुई है, वो है हाइड्रोक्लोरोकार्बन। हम उसको यूज करके ओजोन होल जो हो रहा है बढ़ रहा है उसको कम कर सकते हैं। मैम हम बेसिकली क्लोरीन जो है वो ओजोन होल करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है, हम क्लोरीन को जो है उसको ही कर्व करेंगे, उसको ही उसका यूज कम करेंगे, उससे ही हमारी ओजोन होल जो है वो कम होना कम हो सकता है। उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है, अगर हमें गवर्नमेंट बोल रही है कि ये चीज़ नहीं हमें यूज़ करनी चाहिए, तो हमें उसमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं करनी चाहिए, कोई कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, PCB वगैरह, DDT वगैरह, लेकिन हम फिर भी उनको यूज़ कर रहे हैं, जबकि वही हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। तो अच्छा मैसेज ये है कि अगर गवर्नमेंट अवेयर करती है किसी चीज़ के लिए, तो इसके पीछे एक वजह होती है जिससे हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय की तरफ लेके जा रही है। तो अगर आप काफ़ी अच्छा मैसेज है कि इनका मैसेज ये है कि अगर ग्लोबल इन्फ्लुएंस है